दोस्तों इसे मैंने नीचे छोड़ा हुआ है, देखिए कितने मजे से ये घूम रहा है गोल 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 गोल। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और आज बहुत ज़्यादा बदली निकली हुई है क्योंकि पानी भी आया है सुबेरे। और दोस्तों ये मैं निकाल लेता हूँ अभी, क्योंकि रात में हमने ढक दिया था इसलिए बारिश का पानी भी नहीं लगा, और ठंड की वजह से भी हम ये ढक देते हैं रेगुलरली रात में, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा रहती है इस वजह से। तो इसे निकाल लेते हैं और आज हम अपने बजीज पैरेट्स को भी बाहर निकालने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं दाना डाल देता हूँ, और अंदर से निकालना है हमें कुल्लड़ भी, जो पानी की रखी हुई है अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गंदी हो जाती है और पानी भी उसका बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ठंडा हो जाता है। इस वजह से हमें निकालना ज़रूरी होता है, इतना ठंडा पानी अगर बजीज पियेंगे तो ये बीमार हो सकते हैं, इस बात का आप भी ध्यान रखें। तो इसे रख देते हैं यहाँ पे और अभी हम बजीज को भी निकालने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है दोस्तों, आज हम अपने बजीज पैरट्स को बाहर निकालने वाले हैं, जिनके सर पे मार लगी हुई है उसे भी बाहर निकालेंगे दोस्तों। ऊपर वाली मटकी के एक बजी को हम बाहर निकालने वाले, तो चलिए दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो दोस्तों हम निकालने वाले हैं ये वाली मटकी जिसमें दो बच्चे हैं, आप लोगों को दिखाया था, जिसमें एक बच्चों के सर पे मार लगा हुआ है, उसे भी हम थोड़ा सा ट्यूब लगाना है वो भी कर देंगे, और ये मटकी हमने रखी थी यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हमने अपने बजीज पैरट्स के बच्चों को बाहर निकाल लिया, तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं बजीज अंदर क्या कर रहे हैं इनके बच्चे। यहाँ पे दोस्तों हाँ, दोनों बच्चे अच्छे हैं। तो दोस्तों इन्हें अंदर लेके चलते हैं और अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक ज़्यादा बड़ा है, वो हो सकता है कि उड़ भी सकता है वो। तो चलिए दोस्तों अंदर लेके चलते हैं और इसे देखते हैं हम। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं अंदर और निकालते हैं और आपको बताते हैं हमारे बजीज कितने बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों हमने अपने बजीज पैरेट्स के बच्चे को बाहर निकाला हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं निकाल के। दोस्तों एक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है पूरी तरीके से, और दूसरा भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यह काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, और एक दूसरा भी दिखाना चाहूँगा जिसके सर पे मार लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है, इसके सर पे दोस्तों मार लगा हुआ है। तो इन दोनों का भी रख देते हैं और हम ट्यूब लगा देते हैं इसे वाइट वाले को। तो एक दिखाते हैं दोस्तों हम, ये जो है वो बहुत ज़्यादा अलग यूनिक कलर आया है हमारे जो बजीज का, ये बड़ा हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, तैयार भी हो चुका है। तो आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों मैं, इसका कलर भी बहुत यूनिक आया है। और इसके बाद आपको वाइट वाला भी दिखाता हूँ निकाल करके। वाइट वाले के सर पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मार लगा हुआ था कुछ दिन पहले, अभी लेकिन कम हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अभी बजीज हमारा बैठा हुआ है, देखते कहाँ है ये। दोस्तों यहाँ ये छुप गया है, ओ नो, इसके सर का दोस्तों ट्यूब भी पुज गया होगा। हाँ तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार ट्यूब लगाना होगा, मैं लगा देता हूँ इसको, इसने इसके पीछे छुप के पूरा ट्यूब मिटा दिया। दोस्तों इसे मैं अभी अपने पास ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर इसे ऐसे ही रखना होगा, नहीं तो ये कहीं भी जाएगा तो इसकी जो दवाई लगाई है सर की वो मिट सकती है, दवाई निकल सकती है इस वजह से। तो दोस्तों हमारे ये बजीज भी जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं, और इन्हें हमने काफ़ी देर से निकाला हुआ था, एक अभी अंदर है और इनकी मटकी भी अंदर रखी हुई है, तो इन्हें भी रख देते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और देखते रहिए दोस्तों रजा पेट्स। तो चलिए दोस्तों ये फर्स्ट टाइम है हम इसे अंदर छोड़ के, देखते हैं क्या होता है और बजीज का क्या रिएक्शन होता है इसे छोड़ने के बाद, क्योंकि अभी तक ये मटकी के बाहर नहीं निकला था, ये मटकी के अंदर ही रह रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है और देखते हैं बजीज क्या करते हैं और इसकी मेल और फीमेल क्या करती है। मैंने इसे छोड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस बच्ची के जो है मेल फीमेल दोनों आ गए हैं, और इसे हो सकता है फीडिंग कराए वो, और वो भी एकदम चौंक गए हैं इसे अकेला देख के, कि वाइट वाला
भजी कहा गया, तो वो भी हम अभी अंदर रख देंगे मटकी के साथ। ऐसे ही हम अभी वीडियो बनाने के लिए इसे अंदर छोड़ा हुआ था मैंने। दोस्त ये भजी उड़ के नीचे चले गया है और देखिए कितने मज़े से ये अपना उड़ खेल रहा है और इधर उधर भाग रहा है। तो दोस्तों ये अभी उड़ नहीं पा रहा है उतना, लेकिन घर में ये उड़ रहा था, मैंने खुद देखा था इसे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और हम आपको बताते हैं हमने जो है मटकी यहाँ पे फिट कर दी है जो निकाली हुई थी, और बजीज भी बड़े मज़े से उसके अंदर बैठे हुए, आपको दिखाता हूँ एक बार, उसी के अंदर है और बच्चों की मेल फीमेल भी आजू बाजू में बैठी हुई है वहीं पे, ये आपको दिख रही होंगी।